हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज हम ऑल्टरनेटिंग करंट की नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ आए हैं। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने कंप्लीट किया था एलसीआर सर्किट, तो उसमें हमने एक टॉपिक खत्म किया था रेजोनेंस कंडीशन पे। आज हम उस रेजोनेंस कंडीशन को आगे लेके जाएंगे। तो बेसिकली हम रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस सर्किट क्या होती है, फिर तो उसके बेसिस पे क्वालिटी फैक्टर, और यहाँ पे हम करने वाले हैं बेसिकली उसके कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो है हमारा कंडीशन है रेजोनेंस सिचुएशन क्या होती है, रेजोनेंस कंडीशन। तो बेसिकली पहले हम रेजोनेंस पढ़ते हैं। इस रेजोनेंस को हम ऑलरेडी ऑसिलेशन चैप्टर में भी पढ़ के आए हुए हैं, क्लास 11th में। तो वहां हमने पढ़ा था कि अगर कोई सिस्टम पे हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स या किसी एनर्जी के थ्रू सिस्टम को कुछ फोर्स प्रोवाइड करते हैं या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और उस सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी और जो अप्लाइड फ्रिक्वेंसी होती है दोनों मैच कर जाते हैं, तो दोनों एक फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगाते हैं, और इस केस में जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो इस कंडीशन को कहते थे हम रेजोनेंस। तो सेम कुछ वैसा ही है हमारा ये इलेक्ट्रिक रेजोनेंस कंडीशन। तो हमने लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जेड अपने पास आया था जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। रेजोनेंस कंडीशन पे अगर याद हो तो एट रेजोनेंस एक्सएल जो होता है वो एक्सी के बराबर हो जाता है। इस केस में क्या हुआ था, जेड जो था वो अंडर रूट आर स्क्वायर के बराबर आया था, जिसको सॉल्व करने के बाद जेड और आर इक्वल। इस केस में अगर ध्यान देखा जाए तो रेजोनेंस से पहले कंडीशन जो है, जो हमारा जेड आ रहा था वो आर स्क्वायर और एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर के सम पे डिपेंड था, अब ओनली डिपेंड है आर पे। तो पहले के कंपैरिजन में जो आर की वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज, यानी इस केस में जो आर होता है वो होता है हमारा मिनिमम। क्लियर, आर क्या हो गया, यहाँ होता है आर मिनिमम। तो आर तो हो गया मिनिमम। अब कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि आई इक्वल्स टू होता है ई बाय जेड, है ना, वहां पे नॉट के टर्म में पढ़ा था, तो नॉट के टर्म में कर लेते हैं, आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाय जेड या ई बाय जेड। अगर जेड की वैल्यू क्या है, मिनिमम है, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी जब z कम मिनिमम हो रहा है तो i नॉट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो रहा है अपने पास, राइट, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, इनवर्सली एक दूसरे पे, यानी i नॉट मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। z क्या हो रहा है, मिनिमम। z मिनिमम का मतलब क्या हो रहा है, r जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो इसी बेसिस पे हमारा पूरा का पूरा टॉपिक डिपेंड करता है कि हमें सिचुएशन ऐसी चाहिए कि हमें r डिक्रीज करना है, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, तो इस सिचुएशन के लिए हमने वहां पे फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करी थी, एक और दोबारा देख लेते हैं। वहां हमने पढ़ा था एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी, राइट, जो कि आया था एक्सएल इक्वल्स टू होता है ओमेगा एल, और ये होता है वन अपॉन ओमेगा सी, जो कि आ रहा था ओमेगा स्क्वायर वन अपॉन एल सी। ठीक है, और ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट एल सी, एक तो ये आया था, दूसरा ओमेगा इक्वल टू होता है टू पाई न्यू वन अपॉन अंडर रूट एल सी, तो न्यू इक्वल टू हो गया वन अपॉन पाई अंडर रूट। ये जो होती है ओमेगा, या ये न्यू या ये ओमेगा, यही हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम अप्लाई फ्रीक्वेंसी और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो क्या हो जाएगा, वो सिचुएशन रेजोनेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये यूज कैसे करते हैं या कहाँ यूज होता है, तो इसको जरा एक बार डायग्रामेटिकली समझते हैं, फिर उसके धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, तो अपने पास एक सिचुएशन है, अपने पास ये मैं केस ले रहा हूं यहाँ पे, एक तरफ है ओमेगा और एक तरफ है आई, राइट, ठीक है, ये तीन सिचुएशन मैंने यहां क्रिएट किए हैं। अब इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, और इसका रेजिस्टेंस R3 है। क्लियर,
अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पे R1 और R2 में कौन सा ज्यादा है, तो इसको जरा पहले पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है ना, इसका I हो गया 1, इसका I मान लेते हैं 2, ये हो गया 3। यहाँ पे I1 जो है वो ग्रेटर है I2 से और ये I3 से, और अभी भी हमने पढ़ा है कंडीशन क्या थी कि आई इंक्रीज करना है तो आर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। तो ये हो गया सबसे कम, ये उससे कम, और ये सबसे ज्यादा, यानी हाई वैल्यू जो होगी यहाँ पे आर की वो होगी R3, उससे जो मॉडरेट वैल्यू होगी वो होगी R2, और सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी अपने पास R1। ठीक है, तो इससे क्या चीज क्लियर हो रही है कि हम जैसे जैसे रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे थे तो करंट डिक्रीज करे जा रहा है ना। अब जो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं इससे क्या होगा, है ना, या रेजिस्टेंस हमने जैसे डिक्रीज किया, तो यहाँ पे अगर इसका ये देखा जाए पीक, इसका पीक देखा जाता उतना ज्यादा शार्प होता जाता है, नीचे जैसे जैसे आएंगे वो उतना थोड़ा थोड़ा फ्लैट होता जाएगा। कर्व अगर देखें तो इसका पीक क्या हो रहा है, ऊपर वाला शार्प होता जा रहा है, नीचे का फ्लैट होता जा रहा है। अब वो जितना ज्यादा शार्प होगा तो इसको कहते हैं उसकी क्वालिटी, यानी सिग्नल की जो क्वालिटी होगी किसी भी चीज में, सिग्नल की क्वालिटी वो होगी एनहेंस हो जाएगी, यानी जितनी ज्यादा वो पीक है तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी और अप्लाइड फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, मैच कर गई है। तो इसको हम यूज करेंगे एज ए टीवी सेट, एज ए रेडियो, अपना जो रेडियो सेट होता है FM, उसमें सिग्नल कैच करने के लिए ये कॉन्सेप्ट अपना यूज होता है। तो कैसे होता है जरा इसको एक और ग्राफ से समझते हैं। तो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, अगेन ये आई है और ये ओमेगा, राइट। एक ही सिचुएशन लेते हैं वो, अब जरा इससे समझते हैं। ये जो केस है अपने पास, सबसे पीक पे ये मैक्सिमम करंट है ना, और मैक्सिमम करंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ ये होता है अपने पास आई नॉट, क्लियर, जो कि कितना होगा ई नॉट बाय आर के बराबर। अब मैं यहां पे ले रहा हूं कोई इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, कोई इंस्टेंटेनियस करंट, ये सिचुएशन यहाँ पे, ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो, यानी ये इंस्टेंट, यानी एक तरह से क्या हो गया, हमारी आरएमएस वैल्यू होगी। और इसको अगर आई नोट पे कन्वर्ट करना है तो आई कितना बराबर हो जाएगा, ये ई नोट बाय √2 R, क्लियर। कैसे होता है, आई इक्वल टू ई आरएमएस बाय आर, ई आरएमएस होता है ई नोट बाय √2, ठीक है। अब इस सिचुएशन में देखिए, जैसे जैसे हम यहाँ पे आ रहे हैं तो करंट में वेरिएशन तो हो रहा है, इसकी जो शार्पनेस है वो डिक्रीज हो रही है। अब इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की वो मान लेते हैं ω1 है, इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी है वो ω2 है, और ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी आ रही है यानी इस पॉइंट में, तो ये है अपना ωr, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और ये जो अपने पास ये जो ब्रेथ आ रही है, यानी चौड़ाई जो आ रही है, इसको कहते हैं हम बैंड विड्थ, फ्रीक्वेंसी की बैंड विड्थ जो चैनल्स को प्रोवाइड की जाती है, एक रेंज दी जाती है किसी भी FM या TV चैनल को, तो उसी के अंदर अपनी फ्रीक्वेंसी हमें, जो भी चैनल्स ब्रॉडकास्टिंग सर्विस वाले होते हैं, यानी जो भी चैनल होता है, जैसे जी सिनेमा, सोनी TV या रेडियो के लिए 93.5 FM, तो वो क्या करते हैं, वो इस फ्रीक्वेंसी की रेंज में अपनी, यानी इस बैंडविड्थ की रेंज में अपनी फ्रीक्वेंसी को पुट करते हैं, और ये उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे हम चैनल चेंज करते करते हैं, ये मैच कर जाती है तो चैनल की क्लियरिटी बिल्कुल एक शार्प हो जाती है, इसी को कहते हैं हम शार्पनेस। समझ में आया टॉपिक, तो यही होता है हमारा चैनल ऐसे। अब इनिशियली अगर ध्यान से देखे जाए तो इसकी बैंडविड्थ या इसकी शार्पनेस, है ना, बैंडविड्थ जितनी ज्यादा चौड़ी होती जा रही है, शार्पनेस क्या होगी उतनी कम। अब इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं, देखिए मैं यहाँ पे समझते हैं, अगर यहाँ पे तो ये है फ्रीक्वेंसी इसकी, ठीक है, अब जैसे जैसे नीचे, अब इसकी फ्रीक्वेंसी सबकी तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये हमने ले ली कॉमन, अगर यहां से इसका देखो, इसकी बैंडविड्थ ये हो गई, है ना, तो उसी हिसाब से क्या हो रहा है, हमारा बैंडविड्थ में भी वेरिएशन आ रहा है। नीचे वाले के लिए हम दूसरे कलर से कर देते हैं, तो इसका देखिए, है ना,
इस पॉइंट पे कर लेते हैं इसका। देखिए तो ये बैंडविड्थ क्या होती जा रही है, इंक्रीज। अगर इसका देखेंगे यहाँ से तो इसकी बैंडविड्थ इंक्रीज, तो फ्लैट जितना होता जा रहा है शार्पनेस उतनी कम होती जा रही है। ये हो गया अपना बेसिकली बैंडविड्थ, और जितनी ज्यादा शार्पनेस पीक बनेगी उतनी ज्यादा चैनल में क्लियरिटी आने वाली है, राइट। तो ये बैंडविड्थ जो है बेसिकली किसके बराबर हो गया, ये इतना ओमेगा, ये ओमेगा, तो कितना हो गया टोटल 2 ओमेगा, राइट। तो बैंडविड्थ कितने बराबर हो गया, टू डेल्टा ओमेगा, जो क्या गया ओमेगा 2 माइनस, ठीक है, ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इसको ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब इसको कहाँ यूज किया जाता है, अभी बताया मैंने, शार्पनेस के लिए, ठीक है, शार्पनेस के लिए। अब कैसे करे जाते हैं, तो उसके लिए पहले हम पढ़ते हैं टॉपिक क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या है, क्वालिटी फैक्टर वही है जो मैंने अभी आपको बताया था, जो बताता है किसी चैनल की क्वालिटी के बारे में, कि जो चैनल की जो पिक्चर क्वालिटी है या वॉइस क्वालिटी है कितनी ज्यादा क्लियर आ रही है, वो कैसे पता चलेगा उसकी क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर को कैसे करेंगे हम, तो उसको हम करेंगे चेंज। हम उसको चेंज करने के लिए हमारे पास रिमोट या सर्किट होता है, उसके अंदर किसी कंपोनेंट को, यानी हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू चेंज करनी होती है, तो उसे हम फाइंड आउट करते हैं कैसे। अगर इसकी डेफिनेशन पे आए तो इसकी स्टेटमेंट कहती है कि जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो रेशियो होता है वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इंडक्टर या कैपेसिटर और अपॉन में वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस रेजिस्टर, ठीक है, अक्रॉस रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करा, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इंडक्टेंस या वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस, हमने एल ले लिया, एल इक्वल्स टू क्या होता है आई एक्स एल, ये आई आर, ठीक है। अब एक्सएल इक्वल्स टू होता है ओमेगा एल, ये हो गया आई आर, इससे ये कैंसिल, ठीक है, तो ओमेगा एल बाय आर या गया क्यू। अब एक फॉर्मूला हम ये भी यूज कर सकते हैं अगर ये टर्म्स दे रखी, ठीक है। अब हमने पढ़ा है अभी अभी पीछे था, अंडर रूट एल सी होता है ओमेगा, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्यू इक्वल्स टू 1/r, तो यहाँ बच गया, ये आ गया एल बाय अंडर रूट एल सी, राइट, क्लियर, ठीक है, एल बाय आर, ठीक है, ये आ गया एल बाय आर। अब अगर इसको मैं अंदर रूट के अंदर लाना चाहूं इस एल को, तो क्या होगा ये 1/r अंडर रूट, ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ये हो गया एल सी, एल से एल कैंसिल, तो ये आ गया 1/r अंडर रूट एल बाय सी। यानी जो क्वालिटी फैक्टर है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है, आर तो हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि अभी अभी यहाँ भी आर क्या आ रहा है यूनिवर्सली, तो हमें आर मिनिमम करना है ना, आर मिनिमम करना है, तो इस कैलकुलेशन में कोई एक चीज हमें बढ़ानी पड़ेगी, तो इसके अंदर क्या चीज इंक्रीज करेगी, आर मिनिमम हो जाएगा। अब एसी सर्किट में के केस में हम बढ़ा देते हैं ये सी को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, यानी सी को क्या करते हैं हम चेंज करेंगे। अब सी चेंज करेंगे तो क्या होगा, क्वालिटी भी चेंज होगी, और क्वालिटी चेंज होगी तो हमें वो रिक्वायर्ड सिग्नल जो है वो हम कैच कर सकते हैं। सी बदलेगा तो क्वालिटी भी बदलेगी, यानी क्वालिटी फैक्टर बदलेगा, यानी उसकी शार्पनेस बदलेगी, और शार्पनेस बदलेगी तो हमारे पास चैनल में जो वॉइस है वो एग्जैक्ट करेक्ट आएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम सी को वेरी करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमोट और विद द हेल्प ऑफ नॉब, जो वो ट्यूनिंग नॉब होती है उसकी हेल्प से रिमोट में हम करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास चैनल की क्लियरिटी आती है, और रेजिस्टेंस चेंज करते हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ वहाँ पे क्या होती है, चेंज होती है, और हमारे पास वॉइस क्लियरिटी आती है। तो ये बेसिकली इसके अंदर सर्किट के अंदर ऑलरेडी फिट होता है, यानी हर जितने भी रिसीवर सेट होते हैं हमारे, चाहे वो टीवी हो या आपके पास क्या कहते हैं इसमें रेडियो, उनके अंदर एक एलसीआर सर्किट होती है जिसके अंदर हम वैल्यू चेंज करते रहते हैं आर और सी की, जिसकी वजह से वॉइस
और चैनल क्लियरिटी चेंज होती है। वॉइस चेंज करनी होती है वॉल्यूम, तो हम आर चेंज करते हैं, सी चेंज करने से हमारे पास सिग्नल चेंज हो जाता है, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब इसका एप्लीकेशन है बेसिकली, तो एप्लीकेशन है ट्यूनिंग सर्किट। जैसे कि अभी आप हमने बताया कि ट्यूनिंग सर्किट में इसको यूज किया जाता है रेडियो में, टीवी में, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट होगी इसकी, जिससे कि आपको लर्न करने में या पढ़ने में हेल्प मिलेगी। तो जो बेसिकली हमारे पास जो रेडियो होता है, अब इतने सारे चैनल्स पे रेडियो, जो चैनल हमें चाहिए होता है वो रिक्वायर्ड चैनल लगाना है, तो उसके लिए रेडियो के अंदर ऑलरेडी एक रिसेप्टर सर्किट प्रोवाइड होता है, ठीक है। और वो उसके एंटीना में अंदर सर्किट होती है, जो एलसीआर सर्किट होती है, उसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉब, या वो ट्यून करने के लिए जो बटन होता है, और आजकल तो मैनुअली सर्च हो जाता है, ठीक है। हमें पर्टिकुलर स्टेशन सुनने के लिए क्या करें, हम ट्यून करेंगे रेडियो को। ट्यूनिंग में हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटेंस वेरी कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपको बताया कैपेसिटेंस की वैल्यू वेरी करते हैं, जिसकी वजह से सर्किट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को मैच कर जाती है और दोनों इक्वल हो जाती है, और इक्वल होने के बाद वो सिग्नल रिसीव हो जाता है, और रिसीव होने के बाद जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है, वॉल्यूम की क्लैरिटी भी एनहेंस हो जाती है, और रिक्वायर्ड चैनल हमारे पास आ जाता है। तो ये है एक उसका एप्लीकेशन, किसका, जो हमारा सीरीज एलसीआर सर्किट। तो छोटा सा टॉपिक था हमारा सीरीज एलसीआर सर्किट, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा कि जेड जो होता है वो मिनिमम हो जाता है, आई जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। आई मैक्सिमम हो जाता है तो आर भी क्या होता है, मिनिमम हो जाता है, और क्वालिटी जो है वो 1/r अंडर रूट एलसी के बराबर हो जाती है, ठीक है। अब अपने को ये हर बार मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम, ठीक है, ये चेंज करना है अपने को, ये चेंज कर रहे हैं तो ये भी चेंज हो रहा है, तो ये तो हो गया। हाँ, अगर बैंडविड्थ की टर्म में भी है इसकी स्टेटमेंट वो करनी है, तो क्वालिटी फैक्टर की दूसरी स्टेटमेंट ये होती है कि रेशियो ऑफ रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट, ठीक है। उसको अगर करना है तो रेशियो ऑफ और अपॉन में बैंडविड्थ, बैंडविड्थ होती है 2 डेल्टा ओमेगा, ये है आर बेस में, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसके बेस में है आर। ये होता है हमारा टॉपिक, एक बार नोट कर लीजिए। तो बेसिकली ये एक हमारा एक छोटा टॉपिक था जो डिपेंड करता है हमारा रेजोनेंट सर्किट पे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। जब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।